कांवड़ यात्रा 2024 को सुविधाजनक और सद्भावनापूर्ण बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा एक अति महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। योगी सरकार ने कहा है कि यात्रा मार्ग पर दुकानों के संचालक या मालिक को अपनी पहचान लिखनी होगी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कहा है कि यह फैसला कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए लिया गया है। यह आदेश पूरे उत्तर प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश में कहा है कि दुकानें हों या ठेले, सभी पर अपना नाम लिखें, जिससे कांवड़ यात्री ये जान सकें कि वो किस दुकान से सामान खरीद रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बयान में कहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी, साथ ही दुकानों पर मालिक का नाम लिखना होगा। आदेश के अनुसार हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश हो या पूरा भारत, यहाँ राजनीति का आरंभ बहुत ही जल्दी हो जाता है। मौजूदा सरकार ने कोई आदेश दिया नहीं कि तुरंत विपक्ष के नेता उस आदेश को सद्भाव विरोधी, जन विरोधी की संज्ञा देने लगते हैं। अभी हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में संविधान की रक्षा के लिए विपक्ष ने बहुत नारे लगाए, सरकार की मंशा पर बहुत से दोषारोपण किए, फिर अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संविधान के आदर्श का अनुसरण करते हुए दुकानों पर दुकान मालिकों के नाम लिखे जाने के आदेश पर क्यों सियासी तकरार की जा रही है। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकतर तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। और इसी भाग 4 के अनुच्छेद 38(1) जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा अनुच्छेद 38(1) के रूप में पुनः संख्याकित किया गया और 20 जून 1979 से प्रभावी कर देश में राज्य सरकार द्वारा नीति निर्माण में सम्मिलित करने हेतु आवश्यक बनाया गया में कहा गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था को जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करें, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करें। अब राजनीति से परे होकर अगर हम देखते हैं तो हिंदू धर्म में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है। कांवड़ यात्रा का उद्देश्य भगवान शिव की भक्ति और आराधना करना और उनकी कृपा प्राप्त करना होता है। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्त पवित्र नदियों से जल भरकर एक लंबे सड़क मार्ग से पैदल चलकर शिव मंदिर में पहुंचते हैं और वहां मां शिवरात्रि के पावन पर्व पर पवित्र शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करते हैं, किंतु रुद्राभिषेक से पूर्व और हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर चलने की जो कठिन पैदल यात्रा की जो प्रक्रिया है उसे लेकर कांवड़ के कई नियम होते हैं, जिनका सख्ती से पालन करना धार्मिक विश्वास और आस्था से जुड़ा होने का क्रम बहुत जरूरी है और जिसमें जरा सी भी चूक न केवल कांवड़ियों के कांवड़ के लिए बल्कि पूरे जन समुदाय के लिए खतरनाक साबित हो सकती है और ऐसा पिछले कुछ सालों में सामने आता भी रहा है। और ऐसे में भोलों के अर्थात कांवड़ियों के क्रोध पर काबू पाना समस्त पुलिस प्रशासन के बूते से बाहर की बात होती है और यही स्थिति अराजक तत्वों के लिए सोने पर सुहागा का कार्य करती है, जिससे उन्हें आग में घी डालकर अपनी रोटी सेकने का सुनहरा अवसर हाथ लग जाता है और फिर से प्रदेश में व्यवस्था बनाने में आम आदमी, सरकार और प्रशासन में कितनों को शहादत देनी पड़ती है और कितनों को जेल के सीकरों के भीतर करना होता है। ऐसे में पुराने अनुभवों से सीखते हुए वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो दुकानों पर मालिकों के नाम लिखे जाने का और कांवड़ मार्ग पर मांस की बिक्री पर प्रतिबंध का आदेश जारी किया गया है, यह सर्वजन हिताय ही कहा जाएगा। इस आदेश में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि कांवड़ियों को निश्चित धर्मावलंबियों की दुकान से सामान खरीदना है। भारतीय परंपरा और संस्कृति सर्वधर्म संभव की रही है और वही रहेगी। कल के भारत में हिंदू मुस्लिम भाई भाई थे, आज भी भारत में हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसे किसी आदेश से उनका सद्भाव टूटने वाला नहीं है और नहीं टूटेगा। कहा भी गया है भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति को लेकर, हजार बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिलकर ही रहेंगे जो खिलने वाले हैं।